हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह किचन में लगी हूँ क्योंकि नील ऑफिस जाएंगे। बेगम का छुट्टी है क्योंकि आज गुड़ी पड़वा है, तो मतलब महाराष्ट्र यहाँ का महाराष्ट्र का मतलब न्यू ईयर है। तो हैप्पी न्यू ईयर। कोई मेरे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये साल बहुत अच्छे से जाए। सो हैप्पी न्यू ईयर। और क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे वेज बिरयानी बना रही हूँ, मतलब इसीलिए कि आज जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मुझे भी तो ये दिन मानना चाहिए, तो उसके हिसाब से आज खुशी का दिन है। और तो मैं बन रहा है आज पनीर डाल के, यहाँ पे पनीर फ्राई करके रखी हूँ, उसको मैं डालूँगी पनीर डाल के वेजिटेबल बिरयानी, और उसके साथ सलाद एंड दही। ये नील टिफिन में लेके जाएंगे और यही हम दोनों माँ बेटी आज लंच में भी खाएंगे। और यहाँ पे चाय चढ़ाई हूँ, चाय बन रहा है क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा चाय पीने का मन भी करता है। उठ के जल्दी जल्दी काम पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लगता है कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि चाय पीऊँ। तो चलिए चाय वाय पी लेती हूँ। और आज मैं मतलब आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो सो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो आज से रामनवमी स्टार्ट है, तो मैं सोची कि आज ये शुभ दिन में मैं अपना मंदिर का जो कैबिनेट मंगाई हूँ ना उसको मैं बिछाऊंगी, तो उसके लिए जो सब लाई हूँ सामान तो वो सब भी करूँगी, तो आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं अभी ये सब टिफिन का काम जो है ना ये सब निपटा लेती हूँ, ठीक है। अभी सोफा को सजा दिया, कल ही आया है ये वाला जो शो देख रहे हैं ना, ये येलो कलर का मैं अमेजन से ऑर्डर की थी, तो ये कल ही आया है। तो कल से जब से आया ना तो मेरे को लग रहा है कि कब मैं इसको बिछाऊंगी। और ये वाला जो छोटा वाला जो पिजो कवर है ये तो मैं डीमार्ट से लाई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों को दिखाई थी। तो ब्लू के साथ येलो एंड मरून के साथ येलो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है ना, तो मैं ली हूँ, ये अमेजन से ली हूँ, अच्छा है। लेकिन मतलब मेरे सोफ़ा जो है उसके साइज़ के हिसाब से एकदम अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। और कलर थोड़ा मतलब डिफरेंट आया, मतलब मैं जो येलो कलर चूज़ की थी, मतलब क्या बोलते हैं उसका जो फ़ोटो था जो उसमें जो येलो कलर था वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं ब्राइट येलो जो था ना वो था, लेकिन ये आया है गोल्डन टाइप का येलो, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर में आया है, तो ठीक है, इट्स ओके। ये भी मुझे पसंद आ गया तो मैं इसीलिए इसको चेंज नहीं की। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना। हाँ, ये यहाँ पे रख दिया, अभी मंदिर नहीं उठाई हूँ, मंदिर उठाऊँगी क्योंकि नहा के फिर जो जितने मेरे भगवान जी है सबको अच्छे से नहला के अच्छे से मतलब उन लोगों को भी फ्रेश करके फिर इसके ऊपर सिंहासन में बैठाऊंगी। मन तो था कि एक नया सा सिंहासन हो जाए बट मुझे पसंद नहीं आया, यहाँ पे ना एक ही तरीके का सिंहासन मिलता है और मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप का पसंद है। तो देखती हूँ जब मिल जाएगा तो वो भी नया आएगा, तो अभी फिलहाल ये ली हूँ। और पेखम क्या बोल रही है जानते हैं, लेकिन ये ऊपर में मम्मी मतलब इसके ऊपर में मम्मी दो घंटी टांग दो, तो आइडिया तो अच्छा है। तो मैं बोली हूँ कि रुको मैं देखती हूँ, दो मतलब कि ऐसे मतलब क्या बोलते हैं कीला लगा के उसके ऊपर दो घंटी घर साइड से मतलब टांग देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, बट ये बेडरूम हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं मंदिर जहाँ पे रखूँगी फिर वहाँ पे वो करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखती हूँ, ये बाद में प्लान है। तो अभी यहाँ पे रख दे रही हूँ, फिर अभी फ्रेश होने जाऊँगी और आज भगवान जी के लिए मैं थोड़ा सा खीर बनाऊँगी। उधर अमृता काम कर रही है, पानी एकदम जोर से खोल के रखी है, ये देखिए बंद की अभी। तो पानी का इसीलिए आवाज़ आ रहा था, तो ठीक है अभी फिलहाल भगवान जी के लिए मतलब नहा के भगवान जी के लिए खीर वगैरह सब बना लेती हूँ। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर कुछ कुछ सामान मैंने जैसे जो भी है सब घुसा दिया,
और इसके अंदर देखिए ना, ये मेरा चौकी है ये भी घुस गया, इसी के लिए नाप दे के लाई थी कि ये भी अंदर चला जाए। और बाकी सब बर्तन है इधर, बहुत जगह है अभी रखूंगी। तो बाकी सब बर्तन इसमें कुछ कुछ है बर्तन यहाँ पे पूजा का, और बाकी सब थोड़ा डिवान के अंदर है। तो देखती हूँ वो सब कांसा का बर्तन भी मैं सोच रही हूँ कि इधर में आके रख दूंगी, क्योंकि बहुत जगह है, बहुत स्पेस है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये मंदिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अभी लंच का टाइम हो रहा है, आज ये सब करने में थोड़ा सा लेट भी हो गया क्योंकि भगवान सबको मतलब मैं नहलाई सब कुछ की ना फ्रेश करके। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर शाम को मिलेंगे। बताओ कैसा बना है चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी के मतलब बोलती हो आज पनीर बिरयानी, पनीर एंड वेजिटेबल्स बिरयानी। हाँ टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी है। चलो शाम को उठने के बाद याद आया आज बेखम का डांस क्लास है, और मैं तो सुबह बनाई थी वो क्या बोलते हैं पनीर बिरयानी टाइप का, बट वो देखिए ढेर सारा कपड़ा भी अभी है, वो सब फोल्ड करना बाकी है। ये यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, रुकिए चावल का ये हो गया। तो अभी बन रहा है चावल, वहाँ पे दाल बनाई हूँ, और यहाँ पे एक बना है भिंडी की सब्जी सरसों डाल के, और यहाँ पे बन रहा है ये थोड़ा सा मूंगा था मेरे पास, ये मूंगा फ्राई करके रखी हूँ उसके साथ मतलब आलू पोस्तो के साथ मूंगा मतलब डाल के पोस्तो ऐसे बनेगा। तो रात के लिए यही खाना, मतलब मुझे उठ के 5 बजे उठ के याद आया, उसका मैम का मैसेज आया कि 7 बजे से क्लास है, तब मैं सोची हाय राम ये तो क्लास है आज, फिर तो मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेट हो जाता है ना आते आते। तो और आज मैं और एक काम भी की हूँ, वहाँ पे अभी धूप रहता है ना मेरा इस टाइम, तो दोपहर के टाइम से मैं आम को सुखाने के लिए दी हूँ, आज आम का अचार भी बनाने का इरादा था। तो मैं सोची शाम को उठ के आराम से आम का अचार बनाएंगे, फिर रात में डिनर बनाऊंगी। अब हर बड़ी में पहले डिनर बन रहा है फिर बाद में बनेगा आम का अचार। ये देखिए यहाँ पे धूप में दी हूँ आम के अचार को, ये देखिए यहाँ पे आम का अचार, यहाँ पे आम का अचार नहीं, आम को हल्दी नमक डाल के सूखने के लिए दी हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं सब पगड़ी पहन के, फिर कुछ तो हो रहा है, रस्सी से ये ट्रक के साथ रस्सी से खींचा जा रहा है उधर से, मतलब रामनवमी के लिए कुछ हो रहा है लग रहा है। इधर देखिए ये ट्रक के ऊपर भी कुछ रेड कलर का बिछाए हैं, और उधर में कुछ लोग, हाँ रामनवमी का गाना ही बज रहा है मैं उधर से आ गई, तो शायद कुछ उसी का ही प्रोसेसन वगैरह होगा। तो फिलहाल मैं ना ये डिनर बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जब आम का अचार बनाऊंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और उस बीच में जो भी हो रहा है तो आगे आगे आप लोग देखते रहिए। क्लास में गई है वो आगे, और मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ एज इट इज़ नील का, नील यहीं पे आएंगे। मैं बोली थी कि आप आ जाओ घर में, चाबी रख के जाती हूँ बगल में, चाबी रख दूँगी तो हो जाता है। तो नील बोल रहे नहीं घर में अकेला अकेला क्या करूँगा, वहीं पे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो अच्छा है हम दोनों को भी मौका मिलता है बैठ के बातें करते हैं, हम लोग आगे का प्लानिंग बनाते हैं कब घर बनेगा कब क्या बनेगा, ये सब चलता रहता है ना, मतलब हर घर की घर घर की कहानी जो बोलते हैं बात में बोला जाए। तो चलिए अभी बेखम फिलहाल यहाँ पे डांस सीखने गई है, जहाँ पे जाती है वो, और मैं बैठती हूँ यहाँ पे, अच्छा हवा चल रहा है, सोच रही हूँ कि गाड़ी भी नहीं बाहर में जाके बैठती हूँ। आई हूँ आके थोड़ा सा फ्रेश होके, वो आम का अचार का रेसिपी आप लोगों के साथ बोली थी मैं शेयर करूँगी, तो वही बनाने के लिए आई हूँ।
तो उसके लिए पहले एक पाउडर मसाले का पाउडर मैं रेडी कर रही हूँ, दिखाती हूँ। इसमें एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा, दो सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा मतलब आधा टीस्पून मतलब मेथी है। इसको अभी कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हो गया है मेरा रोस्ट करना, क्योंकि थोड़ा सा खुशबू आने लगेगा ना, बस उसी टाइम पे बंद करके इसको मैं अभी थोड़ा सा ठंडा करके पीसूँगी। यहाँ पे कढ़ाई में तेल चढ़ाई हूँ, उसमें एक सूखी मिर्च तोड़ के डाल रही हूँ, मतलब तीखा अपने हिसाब से, हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो उस हिसाब से बना रही हूँ मैं। और थोड़ी सी पाँच फोरन और थोड़ी सी ये सौंफ मैं अलग से रखी हूँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। ये अभी चटर पटर कर रहा है, अभी इसमें मैं ये सब आम डाल दूंगी। ये आम को मैंने आज थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी नमक डाल के मैं धूप में सूखने के लिए दी थी, मतलब ऐसे भी मतलब आम धो के ऐसे काट के उसको अच्छे से मतलब पोंछ लेना है, मतलब उससे पानी ना रहे आम में, तो भी मतलब तुरंत बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा धूप में सूखा ली हूँ, दादी नानी का टेक्निक है ये वो ही फॉलो कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ये तेल के साथ पूरा जितना फ़ोरन मैं डाली हूँ उसके साथ मिक्स करूँगी। देन इसके बाद इसमें आज बना रही हूँ गुड़ आम, तो इसमें मैं गुड़ डालूँगी, ये मीठा वाला अचार होगा। पहले मैं बहुत थोड़ा सा नमक डाली थी, तो इस बार मैं अभी अंदाज़ से पूरा नमक अभी डाल रही हूँ। अभी इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ, तो जैसे आधा किलो आम हो तो आधा किलो गुड़ लग जाता है अगर बहुत खट्टा आम हो, लेकिन मेरा ये वाला आम बहुत खट्टा नहीं है, थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का है, तो उसके हिसाब से मैं अंदाज़ा से गुड़ डाल दूँगी, इसमें आधा किलो गुड़ नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे जगेरी पाउडर डाल रही हूँ, हम लोग के वेस्ट बंगाल में तो ये और भी अच्छा गुड़ मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता, तो मैं क्या करूँ, यही पाउडर से काम चलाना पड़ेगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, अभी जो गुड़ मैं दी थी वो ऐसे लिक्विड हो गया, फिर अभी पकाते पकाते ना ये क्या हो जाएगा, गुड़ थोड़ा स्टिकी स्टिकी फॉर्म में आ जाएगा, तो तब तक मुझे अभी ये पकाना है। अभी देखिए ये गुड़ थोड़ा गाढ़ा हो गया है और थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी टाइप का हो गया ना, तो अभी इस टाइम पे मैं ये जो मसाला बना के रखी हूँ इसको डालूँगी। पहले मैं एक चम्मच डाल रही हूँ, ये डालने के बाद ना बहुत अच्छा खुशबू आता है, और ये देखिए मसाला कैसे घुल मिल गया है, तो लग रहा है कि और डालना नहीं पड़ेगा, एक चम्मच में ही हो जाएगा, क्योंकि आम भी बहुत ज़्यादा तो है नहीं ना। और इसमें ना थोड़ा सा मैं विनीगर डाल रही हूँ, जैसे बहुत दिन तक इसको रखने के लिए। इसमें मैं और आधा चम्मच मसाला ऐड की हूँ, और विनीगर देने से साल भर रह जाता है, लेकिन ये थोड़ी साल भर रहने वाला है, पेखम अभी से बोल रही है कि मम्मी टेस्ट करने के लिए दो अभी गैस को कर दिया बंद, और ये थोड़ा सा लिक्विड रखूँगी, क्योंकि ये मतलब ठंडा होने के बाद ना और थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी तो अभी यहाँ पे रख दिया, और पेखा भी यहाँ पे टेस्ट कर रही है बोल रही है कि मम्मी थोड़ा सा ग्रेवी तो दे दो, तो वो अपना टेस्ट कर रही है। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे, फिलहाल इसी के साथ आज का वीडियो यही एंड करती हूँ। अब उसका वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और ये आम का अचार का रेसिपी आप लोग बना के बताना कमेंट करके कि कैसा बना है, आप लोग कैसे बनाए हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।